हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बॉबी वर्मा। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान प्रश्न की, उसका ये 7th लेक्चर है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो गुरुद्वारा पंजा साहिब में जो पंजा है, इसका मीन होता है हाथ। तो जैसा कि आप पिक में देख रहे हो कि पत्थर के ऊपर हाथ बना हुआ है, तो ये हाथ किन का है? ये हाथ है श्री गुरु नानक देव जी का। श्री गुरु नानक देव जी जो कि कौन थे? सिखों के पहले गुरु थे। इनके हाथ का निशान बनाओ इस पत्थर के ऊपर। तो इसका इतिहास क्या था कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी और उनके अनुयायी भाई मर्दाना जी या गए हुए थे हसन अब्दल, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे क्या, मर्दाना जी को एक बार प्यास लग गई। तो जहाँ पे ये गए हुए थे हसन अब्दल, वहाँ पे एक संत थे जिनका नाम था शफाली गंधारी, जो कि एक सूफी संत थे। इनके घर के पास एक झरना बहता था। तो श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को बोला वहाँ जाके पानी पीने के लिए। गंधारी जो कि एक घमंडी इंसान था, उसने पानी देने से मना कर दिया और बोला कि अगर तेरे गुरु इतने ही महान है तो खुद का झरना क्यों नहीं बना लेते। तो भाई मर्दाना जी ने यह सारी बात जाके श्री गुरु नानक देव जी को बताई और कहा कि मैं उनका अनुयायी नहीं बनूंगा, चाहे मैं मर जाऊँ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को नाम जपने को बोला और वहाँ से एक पत्थर को उठाया। और जैसे ही वहाँ से एक पत्थर को उठाया तो वहाँ पे क्या, एक नया झरना बहने लग गया और गंधारी का झरना रुक गया। तो जिससे क्या, गंधारी ने गुस्से में आकर एक पत्थर फेंक के मारा भाई मर्दाना की ओर, जिसको क्या श्री गुरु नानक देव जी ने हाथ से रोक दिया। तो जिससे क्या, उस पत्थर के ऊपर निशान पड़ गए, जैसा कि आप पिक में देख रहे हो। तो यह निशान पड़ गए पंजे के, जिसके बाद इसको पंजा साहिब बोला जाता है। और इसके बाद इस यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया। और यह गुरुद्वारा किन्होंने बनाया था? यह बनाया था हरि सिंह नलवा ने, जो कि सिख इतिहास के बहुत ही फेमस लीडर थे एंड महाराजा रणजीत सिंह की सेना के चीफ थे। तो उनके होते किसी भी शासक की हिम्मत नहीं हुई पंजाब में हमला करने की। तो ये सारी घटना है जो ये कहाँ पे हुई थी? हसन अब्दुल में, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो बंजर भूमि का जब नाम आता है तो नाम आता है रेगिस्तान का, और रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो ये है राजस्थान का। बट जब तक ऑप्शन में राजस्थान है तब तक तो ये क्वेश्चन है ईजी, बट जब अगर ऑप्शन में राजस्थान ना हो तब आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो बंजर भूमि का सबसे बड़ा राज्य, तो पहला राज्य है राजस्थान एंड सेकंड राज्य है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग वैसे तो है त्वचा, यानी कि स्किन, बट स्किन ऑप्शन में देनी रखी तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। तो ये जो लीवर है ये बॉडी का अंदरूनी सबसे बड़ा अंग है। अंदरूनी सबसे बड़ा अंग है लीवर एंड बॉडी का बाहरी सबसे बड़ा अंग है स्किन। तो स्किन है जो बॉडी का बाहरी सबसे बड़ा अंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के NFR जोन ने महिलाओं के लिए कौन से रंग के कोच शुरू करे हैं? तो इसमें जो NFR है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। और इन्होंने कौन से रंग के कोच शुरू करे हैं महिलाओं के लिए? इन्होंने शुरू करे हैं गुलाबी रंग के, यानी कि पिंक रंग के। और इसमें जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में। एंड रेलवे के करंट मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। एंड रेलवे के करंट चेयरमैन कौन है? करंट चेयरमैन विनोद कुमार यादव, यानी कि VK यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो इस मस्जिद का नाम क्या है? इस मस्जिद का नाम है सिद्दी बशीद मस्जिद। ये है कहाँ पे? ये है अहमदाबाद में, जो कि कहाँ पे है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो मेन तो आपको पता है राष्ट्रीय पशु भी पता है, राष्ट्रीय पक्षी भी पता है, राष्ट्रीय फूल भी पता है, और क्या क्या होता है? एक होता है नेशनल रेपिटाइल एनिमल। तो भारत का नेशनल रेपिटाइल एनिमल कौन सा है? तो यह है किंग कोबरा भारत का नेशनल रेपिटाइल एनिमल है। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। एंड राष्ट्रीय फ्रूट, यानी कि राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल है आम का फल। एंड राष्ट्रीय पेड़ है भारत का बरगद का पेड़। एंड राष्ट्रीय सॉन्ग, भारत का राष्ट्रीय सॉन्ग है वंदे मातरम। एंड इसमें जो पूछा है नेशनल वेटर एनिमल, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगाटिक डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच शेर घाटी कहाँ स्थित है? तो इसमें जो पंच शेर में पंज है, इसका मीन है पाँच एंड शेर का मतलब है शेर। तो पाँच शेरों की घाटी कहाँ स्थित है? तो पाँच शेरों की घाटी स्थित है अफगानिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? इसकी राजधानी है काबुल। एंड इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? इसके राष्ट्रपति हैं अशरफ गानी
अशरफ खानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग प्रकृति में गैर संचारी है, यानी कि नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ बतानी है। तो नॉन कॉम्युनिकेबल एंड कॉम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? कॉम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में फैलती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाती हैं, तो उसको कॉम्युनिकेबल डिजीज़ बोला जाता है। जैसे कि COVID-19 फैला हुआ है, वो एक कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसमें कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है? तो ये है कैंसर। कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में नहीं फैलती। ये कैसे फैलती है कि अगर कोई सेल है, यह सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाए, और ये दो सेल के हैं चार सेल में डिवाइड हो जाए, और ये चार सेल आगे आठ सेल में डिवाइड हो जाए, यानी कि ये दो से चार, चार से आठ, ये अनकंट्रोल्ड जब हो जाता है तो इसको बोला जाता है कैंसर। एंड कैंसर की स्टडी को क्या बोला जाता है? कैंसर की स्टडी को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कैंसर की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो कैंसर की स्टडी को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने किस लैंग्वेज में उपदेश दिया था? तो यह दिया था पाली लैंग्वेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इनका पूरा नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो कि कहाँ पे है? यह है नेपाल में। नेपाल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? तो जैसे कि सूरजमुखी का पौधा है, सनफ्लावर, वो भी क्या है? एक सूर्य प्रेमी पौधा है। तो इन पौधों को क्या बोला जाता है? इन पौधों को बोला जाता है हीलियोफाइट्स। और जहाँ पर भी ये हीलियोवर्ड्स आता है ना, हीलियो का मतलब होता है सन, तो हीलियोवर्ड यहाँ पर भी आएगा तो उसका मतलब उसका कनेक्शन होगा सन के साथ। तो आपने एक थेरेपी भी पढ़ी होगी जिसका नाम होता है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सूर्य की किरणों के द्वारा उपचार करने को बोला जाता है हीलियोथेरेपी। मीन यहाँ पर भी सन का कनेक्शन आ गया, तो मीन जहाँ पर भी हीलियो वर्ड्स आएगा वहाँ पर उसका कनेक्शन होगा सन के साथ। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के संसद के रूप में किसे जाना जाता है? तो पार्लियामेंट्स तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, स्पेशली जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं एंड जो इंपॉर्टेंट देश हैं, जैसे जापान हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूके, रशिया, इनकी पार्लियामेंट्स तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है? जापान की पार्लियामेंट, तो जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और डाइल कहाँ की है? ये है आयरलैंड की। आयरलैंड की पार्लियामेंट का नाम है डाइल। एंड युआन क्या है? ये है करेंसी। कहाँ की करेंसी? चाइना की करेंसी का नाम है युआन। एंड शोरा है, ये क्या है? जो मोस्टली इस्लामिक स्टेट्स होते हैं की पार्लियामेंट का नाम होता है शोरा। तो जो मोस्टली इस्लामिक स्टेट है उनकी कैपिटल का नाम होता है शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्र ग्रह कौन से ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं? तो मान लेते हैं ये क्या हमारा सूर्य है, यानी कि सन। तो इसमें सबसे पहले आ गया मरकरी, जिसे बोला जाता है बुध ग्रह। फिर आ गया वीनस, जिसे शुक्र ग्रह बोला जाता है। फिर आ गई अर्थ। फिर आ गया मार्स, जिसे मंगल ग्रह बोलते हैं। फिर आ गया जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। फिर आ गया शनि ग्रह। एंड फिर आ गया यूरेनस। एंड लास्ट में नेपच्यून। तो इसमें जो ये वाले ग्रह हैं इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, क्योंकि ये सूर्य के पास है इसलिए इनको इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें और बोला जाता है रॉकी प्लैनेट्स, क्योंकि ये रॉक्स के बने हुए हैं इसलिए इनको बोला जाता है रॉकी प्लैनेट्स। और इनको क्या बोला जाता है? बाह्य प्लैनेट्स, यानी कि आउटर प्लैनेट्स। और इन्हें क्या बोला जाता है? गैशियस प्लैनेट, गैशियस प्लैनेट्स। और इन्हीं के बीच में जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या है? एस्टरॉइड बेल्ट्स, जिन्हें शुद्र ग्रह बोला जाता है। तो जिसकी वजह से कोई भी मीटेरॉइड्स अर्थ पे नहीं पहुंच पाता। तो यह बेल्ट कहाँ पे है? यह है मार्स एंड जुपिटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसी बेल्ट के बीच में यहाँ पर क्या है? सीरस प्लैनेट है, जिसको क्या बोला जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।